हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई द किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूली के पराठों की रेसिपी। तो मूली के पराठे बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है 1 किलो मूली, जिसको मैंने छीलकर साफ धोकर कद्दूकस कर लिया है। थोड़ा सा लिया है गेहूं का आटा, इसको भी मैंने छान लिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, कुछ मसाले लिए हैं जिसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप मिर्च की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। 1/2 टीस्पून अजवाइन, जिसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम डो बनाकर तैयार करेंगे। इस बर्तन में हम डालेंगे कसी हुई मूली, और देखिए यहाँ पर मैंने मूली का पानी नहीं निकाला है। हम मूली के साथ साथ इसका पानी भी इसमें ऐड कर देंगे। डो बनाने के लिए हमें अलग से पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि मूली में काफी पानी होता है और इसी पानी में आटा गूंथ कर तैयार हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, सारे मसाले भी हम इसी में डाल देंगे। अब हम हल्के हल्के हाथों से सारे मसाले को मूली के अंदर मिक्स करेंगे, और मसालों को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। और सारा आटा हम एक साथ नहीं डालेंगे, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे और इसका एक पराठों जितना सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा आटा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अभी आटा पतला है, तो अभी हम इसमें और आटा ऐड करेंगे। और जब तक ये पराठों जितना सॉफ्ट डो बनकर तैयार ना हो जाए, तब तक हम इसमें आटा डालकर गूंथते जाएंगे। मूली का डो बनकर तैयार है। 1 किलो मूली का डो बनाने में मैंने बड़े वाले 1.5 कटोरे आटे का यूज किया है। आटा गूंदने के बाद मैं इसको रखूंगी 5 मिनट रेस्ट करने के लिए, और 5 मिनट के बाद हम इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पहले ही मैंने लो फ्लेम पर तवा गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम हाथ पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और फिर हम इसकी लोई बनाएंगे। सूखा आटा हाथ पर लगाने से आटा हाथ पे चिपकता नहीं है, और जितने बड़े साइज का आपको पराठा बनाना है आप उतना आटा इसमें से ले सकते हैं। और आटा लेकर हम इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। और लोई बनाने के बाद हम इसको हल्के हल्के हाथों से बेलकर पराठा तैयार कर लेंगे। पराठा हम टाइट हाथ से नहीं बेलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला आटा होता है, तो इसको हम हल्के हल्के हाथों से बेलकर पराठा तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगे कि पराठा थोड़ा चिपक रहा है बेलते टाइम, तो आप इस पे दोबारा सूखा आटा लगाकर इसको बेल सकते हैं। तवे पर डाल देंगे, और जब पराठा एक तरफ से सिक जाएगा तब हम इसको पलट देंगे। और मूली के पराठे आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हैं, देसी घी में बना सकते हैं, और आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने पराठा पलट दिया है। अब इस पे मैं मस्टर्ड ऑयल लगाऊंगी। मस्टर्ड ऑयल में पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसको हम चारों तरफ फैला देंगे और फ्लेम यहाँ पर थोड़ी सी हाई कर देंगे। और इसको अब मैं पलट दूंगी, और दूसरी साइड भी हम इस पे तेल लगा देंगे। तेल आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा लगा सकते हैं। अब इसको हम स्पून की सहायता से दबाते हुए सेक लेंगे। अब इसको हम पलट देंगे, तो देखिए एक तरफ से ये सिक चुका है। अब हम दूसरी ओर से भी इसको घुमा घुमा कर ऐसे सेक लेंगे। तो देखिए ये दोनों ओर से बहुत अच्छे से सिक चुका है, और ऐसे दबा दबा कर सेकने से पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। दोनों ओर से पराठा सिकने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए मूली के पराठे बनकर तैयार हैं। आप चाहें तो इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी सब्जी, अचार या टमाटर की चटनी के साथ।